अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास गैस्ट्रोपोडा को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस क्लास इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। इससे पहले लेक्चर में हमने जनरल करेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि मोलस्का जो है वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसमें इसमें इन सब की बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली गैस्ट्रोपोडा को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास को गैस्ट्रोपोडा क्यों कहा जाता है, इसमें रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लास गैस्ट्रोपोडा को गैस्ट्रोपोडा क्यों कहा जाता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रो हम कहते हैं स्टमिक को, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो स्टमिक के ग्लैंड होते हैं, तो गैस्ट्रो का मतलब है स्टमिक और पोडा का मतलब होता है फुट। इसका मतलब है कि इसके जो फुट हैं, जो मस्कुलर फुट हैं, वो स्टमिक वाली साइड पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस क्लास को गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो स्पेशल फीचर है वो रेडियोला लाइक रेस्पिंग टंग होती है। ठीक है, एक टंग है जो कि बहुत ज्यादा रेस्पिंग होती है, मतलब ये कि बाहर भी जा सकती है और अंदर भी वो उसको प्रोट्रूड कर सकता है और बहुत ज्यादा शार्प होती है, इसलिए हम इसको रेडियोला कह रहे हैं। इसके अलावा ये मूवमेंट के लिए अपने फुट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये लार्जेस्ट क्लास है और इस क्लास में 35,000 लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है। लिविंग स्पीशीज मतलब ये जो पूरा काउंट है, ये तमाम स्पीशीज लिविंग हैं, कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, द फर्स्ट वन इज स्नेल, द सेकंड वन इज स्लग एंड द थर्ड वन इज लैम्पेट्स। यहाँ पे दिस वन इज स्नेल, दिस इज स्लग और ये जो है ये लैम्पेट्स हैं। तीनों इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो हैं ये गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए हम टेक्सोनोमिक हेरार्की को डिस्कस करते हैं। टेक्सोनोमिक हेरार्की का मतलब होता है सबसे बड़ा हमारे पास किंगडम होता है जो कि एनिमिलिया हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तमाम जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स हैं ये किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये फाइलम इसका मोलस्का है और फिर फाइलम के बाद क्लास आती है, क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा है। ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं। उसके बाद है कि एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो गैस्ट्रोपोडा का है और वो है टॉर्जन। टॉर्शन भी आप इसको कह सकते हो। एक्चुअली जो टॉर्शन है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम ड्रामेटिकली इसको देखेंगे कि ये टॉर्शन कैसा प्रोसेस है। टॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेंटल कैविटी और उसका विसीरल मैस 180 के एंगल पे रोटेट करता है और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होती है। ठीक है, अब ये कब होती है टॉर्शन, ये सिर्फ अर्ली डेवलपमेंट में होती है, यानी कि जब लार्वा बन रहा होता है। इसका जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा इज अ प्राइमरी लार्वा एंड वेलगर लार्वा इज अ सेकेंडरी लार्वा। तो जब ये लार्वल स्टेज में होगा तभी ये टॉर्शन होगी। ये क्यों होगी ये हम अभी देखेंगे। तो जब ये टॉर्शन होती है तो इसके रिजल्ट में जो मेंटल कैविटी है और जो एनस है वो स्कल के साइड पे आ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी यू शेप हो जाती है, मतलब पहले वो स्ट्रेट होगा, उसके बाद उसकी जब रोटेशन होगी तो उसकी जो शेप है वो यू शेप हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखें ये हम इसको लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे और इसको हम लेटरल साइड से देखेंगे। सबसे पहले ये वाला फिगर वन है, ये है टॉर्शन के बगैर, यहाँ पे अभी टॉर्शन नहीं हुई है, ये उसका इंटीरियर साइड है और ये है इसका पोस्टीरियर साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब टॉर्शन होगी, ये है इसका फुट, ये है इसकी मेंटल कैविटी, ये है इसके गिल्स। ठीक है, और ये मेंटल कैविटी के साथ है एनस, एनस इसका इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है और ये है इसका माउथ जो कि पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इसने अपनी टॉर्शन स्टार्ट की है, टॉर्शन स्टार्ट करने के बाद देखो अब ये इसका माउथ है, अब ये भी इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये अब ये पोस्टीरियर साइड पे आ गया, ये इंटीरियर साइड पे आ गया, तो मेंटल कैविटी जो है ये अब किस साइड पे आ गई है,
इंटीरियर साइड पे, पहले इस साइड पे थी और अब जो है वो इस साइड पे आगे, बिल्कुल उसकी काउंटर क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन हो गई है। और अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली देखें, पहले इसका इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसमें ये यहाँ पे ये गिल्स प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी है, और इसका माउथ जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। अब इसमें ये टॉर्शन हो गई है। अब देखो यहाँ पे था तो ये टॉर्शन करके ये इसने जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको बिल्कुल ट्विस्ट कर लिया है, माउथ इसका यहाँ पर है और जो इसकी एनस है वो भी अब उसी साइड पे आ गई है। ठीक है, अब ये टॉर्शन ऑर्गेनिजम्स करते क्यों है? सबसे पहला जो एडवांटेज है ना वो ये है, देखो ये है इसका माउथ, अगर ये टॉर्शन नहीं करते तो इसका माउथ जो है वो एनस इंटीरियर साइड पे होगी और जो माउथ है वो पोस्टीरियर साइड पे होगा। तो जब ये शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये उसका शेल है, तो ये ऑर्गेनिज्म हमेशा शेल के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अब जब ये शेल के अंदर एंटर करेंगे तो पहले इसका एनस एंटर हो जाएगा और उसके बाद उसका माउथ एंटर होगा, और अगर हो सकता है कि माउथ अभी एंटर ही हो रहा है तो उस पे प्रीडेटर का अटैक भी हो सकता है और उसको वो जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबल है वो ज्यादा हो सकता है, उसका माउथ ससेप्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए इसमें टॉर्शन होती है कि माउथ पहले एंटर करे और जो एनस है वो बाद में एंटर करे। ठीक है, और माउथ ऑब्वियसली एनएस को भी खतरा हो सकता है प्रीडेटर का, लेकिन यहाँ पे मेंटल कैविटी के पास अपरक्यूलम होता है, वो अपरक्यूलम क्लोज कर देता है मेंटल कैविटी को और फिर एनएस जो है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, और एक तो जो अपरक्यूलम है उसका काम है कि इसको क्लोज कर देना मेंटल कैविटी को, और दूसरा काम है डेसिकेशन से बचाना, यानी कि जब उसका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ड्राई होगा तो उस वक्त बॉडी को मॉइस्ट करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जो एडवांटेज है पहला टॉर्शन का क्या है, कि माउथ पहले एंटर होगा और एनएस बाद में एंटर होगी, और उसके बाद क्यों एंटर बाद में होगी और इसको एंटर पहले होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वल्नरेबल है प्रीडेटर से, तो प्रीडेटर से इसको बचाया जा सके इसलिए जो हेड है वो पहले एंटर करेगा। एनएस जो है उसको हम वैसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेंटल कैविटी के पास प्रेजेंट है और मेंटल कैविटी के पास अपरक्यूलम होता है और अपरक्यूलम क्लोज हो जाएगा और एनएस भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जो टॉर्शन है अगर ना हो तो वाटर जो है वो पोस्टीरियर साइड से एंटर होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर साइड से एंटर होगा तो जब स्नेल मूव करता है तो उसका जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है, क्योंकि वो स्लिट में मूव कर रहा होता है ना, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है और बॉडी के अंदर डर्टी वाटर जाता है जो कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब टॉर्शन होगी जो वाटर है वो बजाय इसके कि वो पोस्टीरियर साइड से एंटर हो वो इंटीरियर साइड से एंटर होगा और अब जो वाटर है वो बिल्कुल साफ एंटर होगा। दूसरा ये एडवांटेज है कि प्योर वाटर बॉडी में जाएगा। जो तीसरा एडवांटेज है कि जब ट्विस्टिंग होगी तो उसकी वजह से जो सेंस ऑर्गन्स हैं मेंटल के वो हेड रीजन पे आ जाएंगे, जब हेड रीजन पे प्रेजेंट होंगे तो उसमें सेंस ऑर्गन मतलब स्टिमुलस को रिसीव करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो किसी भी प्रीडेटर को, किसी भी सब्सटेंस को इजीली डिटेक्ट कर सकता है और मोस्ट कैपेबिलिटी के साथ उसको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं टॉर्शन के। क्या डिसएडवांटेज हैं कि ये जो देखो यहाँ पे हमने कहा था डिस्टॉर्शन होगी, डिस्टॉर्शन से इसकी ट्विस्टिंग होगी, अब जो माउथ है जो एनएस है वो भी माउथ वाली साइड पे आ रहा है, मतलब ये माउथ है तो यहाँ पे ये एनएस है जो कि फॉलिंग कॉज कर रहा है, फॉलिंग मतलब स्मेल या बू पैदा कर रहा है, तो इसकी वजह से स्मेलिंग पैदा होगी। लेकिन जो स्नेल हैं उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया है इस तरीके से कि जो मेंटल कैविटी है उसके ऊपर डिफरेंट पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के जरिए जो एक्सक्रीशन है वो हो जाती है इसमें। ठीक है, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोडा। ये पूरे मोलस्का के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ गैस्ट्रोपोडा का इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद है इनमें लोकोमोशन कैसे होती है। देखो पहले लोकोमोशन के लिए अंटिल नाउ जितने भी हमने फाइलम डिस्कस किए हैं उनमें अभी तक किसी में भी कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था लोकोमोशन के लिए। ठीक है, हमने पहले प्लेटीहेलमिंथीज को डिस्कस किया और वो पैरासिटिक थे, निमाटोडा को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने मोलस्का को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें फुट प्रेजेंट होता है एंड दिस फुट इज मस्कुलर फुट, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड सेल्स होते हैं जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। और कुछ जो एडवांस गैस्ट्रोपोड्स हैं
उनके पास एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स होते हैं जो कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं फुट के ऊपर, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो उसको मूव करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी जो फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, अगर हम रिकॉल करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लैटिहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और प्लैटिहेल्मिन्थीज वाज द फर्स्ट फाइलम जिसमें डाइजेस्टिव सॉरी ऑर्गन सिस्टम लेवल डिवेल्प हो गया था, और वो ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एक ही डिवेल्प हुआ था और वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद अगला फाइलम जो था वो नीमाटोडा या एस्केल्मेंथीस था। एस्केल्मेंथीस में एक्सक्रीटरी सिस्टम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर एक दफा कोई चीज डेवलप हो जाती है ना, तो अगले जितने भी फाइलम्स हैं उन सब में वो चीज प्रेजेंट होगी कुछ एडवांस फीचर्स के साथ। अब ऐसे ही जो नीमाटोडा है उसमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होगा, लेकिन उसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो गया था, और वो था ट्यूब विद इन ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका मतलब है यहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, और इसके साथ एक और सिस्टम डेवलप हो गया और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि अब तक नहीं था। और इनका नर्वस सिस्टम भी एडवांस है देन अर्लियर फाइलम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसमें जो गैस्ट्रोपोडा है वो ज्यादातर एल्गी के ऊपर फीड करते हैं, और एल्गी पे फीड करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनको हर्बीवोर कहेंगे। कुछ सेक्वेंजर्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं और कुछ प्रीडेटर्स होते हैं। अब इस डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली इसके माउथ के पास एक जो इंटीरियर साइड है ना वो प्रोबोसिस बनाती है, यानी कि सोंड बनाती है, जिसके पास रेडियोला भी होती है। रेडियोला क्या है, रेस्पिंग टंग है। ये रेस्पिंग टंग जो है वो प्रोट्रूड करती है, और क्योंकि ये प्रीडेटर्स हैं ज्यादातर, तो प्रीडेटर्स जो हैं क्या करेंगे, फ्लैश को एनिमल के फ्लैश को निकालेंगे, और निकालने के बाद अपनी आइसोफेगस में मूव करेंगे। आइसोफेगस के अंदर सीलिया होते हैं जो कि इसकी फूड को मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद जो अपनी फूड है ये क्रॉप में लेके जाते हैं जहाँ पे इसके ग्राइंडिंग होती है, फिर स्टमिक में जाते हैं। स्टमिक जो है डिफरेंट इंजाइम्स को रिलीज करता है, एसिडिक पीएच होती है, फूड के डाइजेशन होती है। उसके बाद इंटेस्टाइन में मूव करता है, और इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनस के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, रेस्पिरेशन के लिए भी स्पेशल सिस्टम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, और हमें पता है कि जो गैस्ट्रोपोड हैं कुछ मेरीन हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल हैं और कुछ फ्रेश वाटर हैं। और इसमें जो वाटर में प्रेजेंट हैं उनके पास जो है वो गिल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और जो मॉडर्न हैं उनमें गिल्स जो हैं वो खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने लैंड पे आना शुरू कर दिया। तो जो लैंड पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनकी मेंटल कैविटी इज रिच विद वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के साथ बहुत ज्यादा रिच होती है, और वो एयर के साथ गैसेस एक्सचेंज कर रही होती हैं। मतलब आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि इनके पास कुछ के पास गिल्स होते हैं और कुछ की मेंटल कैविटी ही रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती है। इनकी सर्कुलेशन जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यू को बात कर रहा है इंस्टेड के वो कैपिलरी में ही रहे, तो इस सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा के पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसके पास हार्ट भी प्रेजेंट है जो कि पहले हमने किसी भी फाइलम में अब तक नहीं पढ़ा। इसके हार्ट के पास दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इनमें जो डाइजेशन है, सर्कुलेशन का प्रोसेस है, वो हो रहा होता है। इनका जो नर्वस सिस्टम है ये मोस्ट एडवांस है, लेकिन बिल्कुल एडवांस नहीं है, लेकिन जितने भी हमने पहले फाइलम डिस्कस किए हैं उससे ज्यादा एडवांस है, ठीक है। अब इसमें गैंग्लियॉन प्रेजेंट हैं और उनका नंबर है 6। गैंग्लियॉन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, और ये जो सेल बॉडीज हैं ये फुट पे भी प्रेजेंट होती हैं और हेड रीजन पे भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है।
इसके अलावा इसकी आईज होती हैं जो कि टेंटेकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इसके पास स्टेटोसिस्ट होते हैं। स्टेटोसिस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा इसमें ऑस्फेरिडिया होते हैं और ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेंटल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको सेंस कर रहा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका नेफ्रिडिया की फॉर्म में होता है, और पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में जो प्रिमिटिव हैं उनमें दो नेफ्रिडिया प्रेजेंट थे, लेकिन टॉर्जन की वजह से एक नेफ्रिडिया लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो नेफ्रिडिया है ये हेल्प कर रहा होता है वाटर के बैलेंस में भी, हेल्प कर रहा होता है फ्रेश वाटर में भी और टेरिस्ट्रियल में भी। ठीक है, अब कुछ जो है वो मरीन वाटर में है और कुछ जो है वो टेरिस्ट्रल है। जो वाटर में रहते हैं वो हमेशा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वो ऑर्गेनिजम्स, वो गैस्ट्रोपोड्स जो कि जमीन पे हैं, टेरिस्ट्रल हैं, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनके पास पेरिकार्डियल ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। रिप्रोडक्शन जो है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और रिप्रोडक्शन इसमें कुछ में इंटरनल होती है और कुछ में एक्सटर्नल होती है। ठीक है, अब अगर मैरीन स्नेल है तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ज्यादातर उसकी स्पीशीज डायोशियस होती हैं। डायोशियस मतलब उनकी सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। दोनों गैमेट्स अपने वाटर में रिलीज कर देते हैं और वहां पर ही उनकी फ्यूजन हो जाती है। जबकि जो फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रल हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और वो स्पीशीज ज्यादातर मोनोशियस होती हैं यानी कि बायसेक्चुअल होती हैं। दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे नेवर डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दे ऑलवेज डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक स्नेल है जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें दोनों सेक्सेस हैं लेकिन कभी भी ये दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म आपस में फर्टिलाइज नहीं करेगा। ये अपनी फीमेल को रिलीज करेगा और ये मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा। इन दोनों की कॉपुलेशन होती है और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली स्नेल नहीं बनता, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है यानी कि लार्वा भी बनता है। समटाइम जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, और ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये प्राइमरी लार्वा होता है, और इसके बाद वेलिगर लार्वा इज द फाइनल लार्वा, उसके बाद एडल्ट स्टेज बनती है। लेकिन कभी कभी ट्रोकोफोर लार्वा नहीं बनता और वेलिगर लार्वा ही बनता है, और वेलिगर लार्वा ही प्राइमरी लार्वा कंसिडर किया जाता है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने गैस्ट्रोपोडा को डिटेल में डिस्कस किया। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स का आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पीपीएससी के लिए, एफपीएससी के लिए। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर अदर क्लासेस डेट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।